अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी आपकी खदमत में इस मौजू के साथ। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि नाफ के नीचे के बाल साफ़ करने के बाद में नहाना ज़रूरी है, इससे गुसल करना ज़रूरी है, आदमी नापाक हो जाता है। ये लोगों की सोच है। आइए पूरा मसला मैं आपको बता देता हूँ। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी हिलुमी ही वाली ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, नाफ के नीचे के बाल साफ करने के बाद वो औरत हो या मर्द, इससे नापाक नहीं होते हैं, गुसल इससे फ़र्ज नहीं होता है। मुए ज़ेर नाफ साफ करने के बाद में अब अगर आप गुसल कर लेते हैं, नहा लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप गुसल नहीं करते हैं, नहीं नहाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। नाफ के नीचे के बाल साफ करने के बाद में मर्द हो या औरत, वो नापाक नहीं होते हैं, बल्कि वो पहले की तरह पाक ही रहते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नाफ के नीचे के बाल साफ करने के बाद में आदमी या औरत नापाक हो जाता है, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। जैसे आदमी पहले पाक था, बाल साफ करने के बाद भी पाक है, अब उसकी मर्जी है, गुसल कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।